सो गाइज, आज के टाइम में बहुत सारे सैमसंग यूजर्स के मन में ये सवाल तो डेफिनेटली होने वाला है कि हमारे स्मार्टफोन में जो अपडेट्स हैं वो क्यों नहीं मिल रहे हैं। बिकॉज बहुत सारे ऐसे बजट रेंज के स्मार्टफोन हैं जो कि काफ़ी महीनों से वेट कर रहे हैं, लेकिन उनके स्मार्टफोन में अपडेट्स नहीं आ रहे हैं। और मैं आपको जनरली सैमसंग से रिलेटेड अपडेट की बहुत सारी वीडियोज़ देता रहता हूँ, तो मैं काफ़ी दिनों से नोट कर रहा था कि आपके कमेंट्स मुझे ढेर सारे मिल रहे हैं, और सैमसंग मेंबर ऐप पे भी मैं चेक कर रहा हूँ तो वहाँ पर भी लोग काफ़ी वेट कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ जिनके कारण जो अपडेट है वो अभी डिले हो रहा है। अगर इसी बीच आप ये चीज़ सोच रहे होंगे कि गैलेक्सी S22 सीरीज लॉन्च हो रही है, उसके बाद हमें अपडेट्स ऑलरेडी रिलीज होते हुए देखने को मिलेंगे, तो ऐसी बात नहीं है। गैलेक्सी S22 सीरीज की जो लॉन्च टीम होगी वो अलग होगी, और जो सॉफ्टवेयर अपडेट की टीम होती है वो अलग होती है। तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ें भी देखने को मिली कि लोग सोच रहे हैं कि S22 सीरीज अभी लॉन्च हो रही है, इतना बड़ा अनपैक्ड इवेंट है ना, तभी सैमसंग डिले कर रहा है। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो लॉन्च की टीम है वो अलग रहती है, और जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो सॉफ्टवेयर की टीम होती है ना वो अलग होती है। अब गाइज, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये निकल कर आया है कि जितने भी स्मार्टफोन्स अभी अपडेट नहीं मिल रहे, जिनको 3 से 4 महीने अपडेट के लिए हो गए हैं, डेफिनेटली उनकी जो एंड्रॉइड 12 की टेस्टिंग है वो सैमसंग ने स्टार्ट कर दी हुई है। और ये चीज़ आप भी जानते होंगे, मैं भी जानता हूँ, और बहुत सारे हमने चेक फर्म्स यहाँ पर डिटेक्ट करी हुई है। चाहे आप बात कर लेते हो गैलेक्सी F62 की, जिसकी काफ़ी भारी डिमांड है कि अपडेट इसमें क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि अक्टूबर में अपडेट आया था और अभी फरवरी ऑफ 2022 चल पड़ा है, तो लगभग 5 महीने आप रख सकते हैं, मतलब 5वां महीना अभी चल पड़ा है। इसी के साथ ही हमारा है M32, F22 वगैरह हैं, M11 वगैरह हैं, और भी बजट रेंज के स्मार्टफोन हैं, तो इनमें हमें अपडेट देखने को नहीं मिल रहा है। अब चेक फर्म्स के रिलेटेड अगर हम देखें, जैसे कि M21 है, M31 है, F62 है, तो इन सभी की जो एंड्रॉइड 12 की टेस्टिंग्स है वो डेफिनेटली स्टार्ट हो चुकी है, और यहाँ पर इनके कुछ स्क्रीनशॉट्स भी मैं यहाँ पर लगाना चाहूँगा। तो यही एक सबसे बड़ा रीज़न बनता है, और ये चीज़ मैं काफ़ी श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि जो F62 है उसके लिए जो नेक्स्ट अपडेट है वो हमें एंड्रॉइड 12 का ही देखने को मिलने वाला है। अब ये चीज़ गलत भी हो सकती है, लेकिन मैं बहुत श्योर हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि सैमसंग ने पिछले 1 महीने से इसकी टेस्टिंग चलाई हुई है, और हमने ये चीज़ देखी है कि 3 से 4 चेक फर्म्स इसकी डिटेक्ट हुई हैं बारी बारी, 8-10 दिनों के बाद। तो इसका मतलब, जैसे कि हमने सैमसंग S10, S20, S21 सीरीज़ के साथ देखा ना, उनके जो बीटा अपडेट्स हैं वो हमें 4 से 5 देखने को मिले थे, तो वैसे ही जो टेस्टिंग है वो हमें पर्टिकुलर स्मार्टफोन्स में देखने को मिलती है। हालांकि सैमसंग ने S21 और बाकी स्मार्टफोन्स की जो टेस्टिंग है वो पब्लिक करी हुई थी, वहाँ पर हमें 4 से 5 बीटा देखने को मिले थे, लेकिन यहाँ पर जो F62 का अपडेट होने वाला है या बाकी जो स्मार्टफोन्स हैं उनकी टेस्टिंग सैमसंग इंटरनली कर रहा है, और वहाँ पर भी हमें सेम इस तरह की प्रोसेस देखने को मिलती है, हालांकि वो चीज़ आपके सामने नहीं लाई जाती है। और जितनी भी रिपोर्ट सोर्सेज वगैरह बता रहे हैं, तो डिले अपडेट्स इसीलिए हो रही हैं बिकॉज सैमसंग को कोई दिक्कत नहीं है, आपको जनवरी का अपडेट भी मिल सकता है या आपको फरवरी का अपडेट भी दे सकता है, लेकिन जो एंड्रॉइड 12 का अपडेट है वो डायरेक्टली अभी पुश किया जाने वाला है F62 को। और वहीं पर हम M21 के बारे में बात करें, M31 के बारे में बात करें, पिछले 1 महीने से इनकी भी जो एंड्रॉइड 12 की टेस्टिंग है ना वो डेफिनेटली स्टार्ट हो चुकी है। इसके जो ऑफिशियल चेक फॉर्म्स हैं हमने देखे हैं, और ये कोई नॉर्मल अपडेट नहीं। अगर आप सोचोगे कि भाई तूने कैसे पता लगाया, क्योंकि यहाँ पर अगर आप नीचे देखोगे तो 1 UI अपडेट लिखा होता है। अगर नॉर्मल अपडेट हो तो हमें एंड्रॉइड 11 लिखा हुआ होता है, लेकिन यहाँ पर 1 UI है, तो इसका मतलब कि ये एक मेजर अपडेट है। तो टेस्टिंग्स इनकी जो डेफिनेटली स्टार्ट हो चुकी है, और मैं ये चीज़ आपके साथ क्लेम करके कह सकता हूँ कि फरवरी के एंड तक F62 के लिए जो अपडेट्स हैं वो आने वाले हैं। हो सकता है अभी कुछ दिनों में मिल जाएं, लेकिन इतना मतलब मैं श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ। अदरवाइज मार्च में हमें M21, M31 में डेफिनेटली अपडेट्स मिलने वाले हैं, बिकॉज जो टेस्टिंग वगैरह इनकी स्टार्ट हो चुकी है। अब ऐसा नहीं है इंडिया में अपडेट आए ना आए, इंडिया में अपडेट हो सकता है थोड़ा सा डिले भी हो जाए, लेकिन किसी न किसी कंट्री में इनके जो अपडेट्स हैं वो चलने वाले हैं। तो अगर आपके पास कोई ऐसा स्मार्टफोन है, आप वेट कर रहे हो, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो एंड्रॉइड 12 की टेस्टिंग्स हैं वो स्टार्ट हो गई है, और लास्ट ईयर की तरह हमें ये सरप्राइज देखने को मिल सकता है कि आपके स्मार्टफोन में 2 से 3 महीने पहले ही अपडेट आ जाए। तो इस चीज़ के लिए आपको जरूर स्टे ट्यून करना है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ताकि जितने स्मार्टफोन्स की इन्फॉर्मेशन आएगी, अपडेट्स आएंगे, तो उनके रिव्यूज़ आपको हमारे YouTube चैनल पे मिल जाएंगे। बस इतना ही था इस वीडियो में, आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।